कोई सा भी क्षेत्र छू ली, किसी भी क्षेत्र में बात कर ली, एंड इट्स प्रोलिफिक। आज की बात नहीं है, 1986 में जब ये यूनिवर्सिटी में होते थे तब भी ऐसे ही थे। Those days also he was similar, he was like that. Same proficiency, same master, same logic, same data figures, encyclopedic figure, encyclopedic personality. कई बार इनसे बड़े कार्यक्रमों में बच्चे पूछते हैं खड़े होकर कि आपको ये सब कुछ इतना पता कैसे? This is what people used to ask. और हमें हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि he was like that 30 years back also. तो ये विलक्षणता है व्यक्तित्व की, और हमारे लिए ये सौभाग्य का विषय है कि इस विश्वविद्यालय की मिट्टी से अनेक वैज्ञानिक निकले हैं, अनेक एडमिनिस्ट्रेटर्स निकले हैं, अनेक लॉरेल्स जीतने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट निकले हैं, अनेक फिलोसोफर्स निकले हैं, सोशल रिफॉर्मर्स निकले। उस पूरी सीरीज में सुधांशु त्रिवेदी जी भी निकले हैं, जो कि आज पूरे देश में अपने संस्कृति, अपने राष्ट्र, अपने जीवन पद्धति, परंपरा, अपनी सोच को आगे बढ़ाने में लगे हैं। पूरे विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय है। उनसे आग्रह है कि वो आज इस सभा को इस महत्वपूर्ण अवसर पर संबोधित करें। मंच पर विराजमान भारत की ज्ञान की परंपरा के प्रतीक स्वामी शुद्धिदानंद जी, भारत के कर्म की परंपरा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किए हुए आदरणीय प्रफुल्ल रामकांत जी, और जब भी कोई पूजा उपासना हो क्या कहा जाता है, स्थान देवताभ्यो नमः, तो इस स्थान के अधिष्ठाता कुलपति आदरणीय श्री एमएस चौहान जी, मनोज जोशी जी, डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी, और छात्र जीवन से सामाजिक कार्यों के लिए हमारा मार्गदर्शन कर रहे आदरणीय शिवेंद्र कश्यप जी, और यहां सम्मुख बहुत से ऐसे लोग जिनसे कि छात्र जीवन से बड़ा निकट संबंध रहा और जिन्होंने समय समय के ऊपर हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा दी, आदरणीय जगदीश जी, राजेंद्र चड्ढा जी, अन्य जो देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से आए हुए प्रोफेसर गंगोपाध्याय जी, प्रोफेसर रैना जी, मैडम शीतल जोशी जी, विशाल सिंह जी, और मेरे साथी जैसा शिवेन जी ने बताया, जैनेन जी जो मेरे रूम पार्टनर भी रहे, वोहितेश जी जो हमारे बैचमेट रहे, वैसे पटेलिया जी भी मेरे साथ एक विश्वविद्यालय में सहयोगी रह चुके हैं जब मैं पहली बार लेक्चरर बना था, और इस सभागार में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, जब इस गांधी सभागार में आते हैं तो मैं बहुत तो लंबे समय के बाद आया तो देख के एक अलग अनुभूति आज हो रही है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती तो हम मना ही रहे हैं, पर ये गांधी हॉल तो वो था, अब तो आज के लोगों को तो नहीं पता होगा, हम लोग के जमाने में यहाँ सैटरडे संडे को मूवी दिखाई जाती थी, तो पिक्चर देखने आते थे, कार्यक्रम करना होता था तो विद्यार्थी परिषद के नाम पर गांधी हॉल नहीं मिलता था उस जमाने में, कारण दूसरे थे ऑब्वियस। मगर आज यदि गांधी हॉल में कार्यक्रम हो रहा है और प्रफुल्ल कांत जी यहाँ उपस्थित हैं, तो मुझे लगता है कांचक की गति ने एक बड़ा परिवर्तन को ले लिया। जैसा उन्होंने अभी कहा कि अब अभी हमने स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष मनाया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को अपने उद्बोधन में क्या कहा कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष यानी 75 वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, ये अमृत काल की शुरुआत है। यानी अभी हमें वो लक्ष्य तय करना है कि 75वें वर्ष से जब हम शताब्दी मनाएंगे तो हमें उस स्थान में पहुंचना है जो भारत का भवितव्य है। तो इसका क्या हुआ, अमृत काल का पहला वर्ष है, अर्थात यह अमृत काल का अरुणोदय का काल है। अब इन वर्षों में आगे कैसे बढ़ना है, इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व हमें कैसे प्रेरणा देता है, देखिए
प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर अमृत काल में आगे बढ़ना है तो हमारे चार पांच लक्ष्य। नंबर वन, 2047 तक शताब्दी आज समाप्त होते होते भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। नंबर दो, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने मन को मुक्त करना है। नंबर तीन, अपनी विरासत और परंपरा के ऊपर गौरव करना है। नंबर चार, कि इसके लिए सब लोगों को अपने कर्तव्य का पालन करना है। और नंबर पांच, वो कर्तव्य का पालन सामूहिक रूप से करना है, यानी सब लोग मिलकर एक सिंक्रोनिटी में हम लोग आगे बढ़ेंगे तब यह लक्ष्य प्राप्त होगा। परंतु यदि कहें कि गुलामी की मानसिकता का विचार और प्रभाव कैसे होता है, तो मुझे यहां गांधी भवन में एक चीज याद आती है। वैसे तो आप लोगों ने हमको डिबेट करते हुए टीवी बहुत देखा होगा, पर हमारी जिंदगी की सबसे यादगार एक डिबेट थी जो इसी गांधी भवन में हुई थी 1987 में सितंबर के महीने में। और यद्यपि मैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए थोड़ा अनमनस था, पर शिवेन जी ने आग्रह किया कि नहीं, इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसका टॉपिक जानते क्या था? इंडियन कल्चर इज सेल्फ डिमार्केट्स बिटवीन मैन एंड वुमेन। पक्ष में तो बोलने के लिए बहुत कुछ मिल जाए, विपक्ष में क्या। और मजे की बात यह है कि उस डिबेट में रिबटलिंग पैनल भी बैठा, तो ये नहीं कि आप आए और पांच मिनट बोल के चले गए। उसके बाद दो मिनट तक आपसे क्वेश्चन आंसर भी होंगे। उसमें छह लोग बैठे थे, एक व्यक्ति को एक प्रश्न पूछने का अधिकार था। कोई पूछे मतलब पांच या छह प्रश्नों का भी उत्तर देना है तो उस विषय की तैयारी आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। ये नहीं कि गए कटे और बोल दिया। अब आप सोचिए, भारतीय संस्कृति स्त्री पुरुष समानता की विरोधी है, इसके पक्ष में तो धड़ाधड़ लोग बोलते चले जा रहे थे, तमाम उदाहरण कोट करते चले जा रहे थे, समानता का तो कोई विषय ही नहीं मिल रहा था। तो उस कारण से एक वातावरण भी ऐसा बन गया कि जो हम लोगों के विचार के पक्ष लोग कहे थे, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये तो सब एक तरफा चलता चला जा रहा है। हमारी जीवन जी से उस समय भी डिस्कशन हो चुका था। परंतु मैंने जब विषय की शुरुआत की तो मैंने कहा कि विश्व की जितनी भी संस्कृतियां हैं उनकी सोच की पराकाष्ठा वहां पे जाके समाप्त हो जाती है जहां वो ईश्वर के नाम, ईश्वर की कल्पना करते हैं कि ईश्वर क्या होना चाहिए। और विश्व में जितने भी सभ्यता, संस्कृति और देश हैं, वहां ईश्वर सिर्फ पुरुष है, स्त्री तत्व का कोई स्थान ईश्वर में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति है जहां पर अर्ध नारीश्वर की कल्पना की गई है, कि भगवान शंकर का अर्ध नारीश्वर स्वरूप। और उस कल्पना का संबंध किस प्रकार का है, जो कालिदास ने रघुवंश के प्रथम श्लोक में लिखा है कि वागार्थमि संप्रक्तो वागार्थमि प्रतिपदे जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अर्थात दोनों अर्ध नारीश्वर स्वरूप में स्त्री और पुरुष तत्व मिलकर उस प्रकार इस सृष्टि का स्वरूप बनाते हैं जैसे वाक और अर्थ, कविता का शब्द और अर्थ। बगैर शब्द के अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं है और बगैर अर्थ के कोई शब्द का अर्थ नहीं है। दोनों मिलकर जिस प्रकार से कविता की रचना करते हैं, उस समानता के भाव से सृष्टि की रचना होती है। और ऐसा ही हिंदी के प्रख्यात कवि निराला जी की वह पंक्ति है जो लगभग इसी भाव को करती है, शायद आप लोगों ने सुना हो, तुम और मैं, जिसको क्या कहते हैं, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। तो आप सोचिए, मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि छोटा सा उदाहरण, और फिर आगे बात हुई थी हमारी